व्हाट्स अप जी, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एंड अमेजिंग एपिसोड। आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट, बल्कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट शो स्टोरी टाइम, और मैं हूँ आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी। लेकर आए हैं जनाब आप सबके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार और मस्ती से भरपूर एपिसोड। इस एपिसोड में भी होंगे कुछ मस्ती से भरपूर गेम्स, बहुत ज़्यादा गपशप आप सबके साथ भी, और यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनके साथ भी। तो जल्दी से चलते हैं हमारे आज के प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ और देखते हैं कि कौन से प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनके पास क्या बातें हैं हमें बताने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप दोनों? ठीक हैं। ये इतनी प्यारी प्यारी डॉल्स बनकर आई हुई हैं आप दोनों, और इतनी प्यारी आपने तो अपना हेयर स्टाइलिंग की हुई है। वाओ, इतनी अच्छी बीड्स लगाई हुई, किसने लगा कर भेजा है? मामा ने लगा कर भेजा। आप दोनों बहनें? यस। ओके, सबसे पहले तो फिर आप अपना नाम बताएं। नूर फातिमा। नूर फातिमा, स्कूल जाते हो? हां जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में पढ़ते हो। मजा आ रहा है स्कूल में? छुट्टियां हो गई हैं? अभी नहीं हुई। एग्जाम चल रहे हैं। ओके, फिर तो भाई तैयारी हो रही होगी पूरी, है ना? मामा तो कहती होंगी पूरा दिन के बस नूर फातिमा बैग उठाकर बैठो, पढ़ो और बस कोई और काम नहीं करना, ऐसी कहती है मामा। कि ट्यूशन जाती हैं इसीलिए। ठीक हो गया, तो ट्यूशन वाली आप ही, मैंने सुना है नूर के बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं वो, तो डंडा लेकर बैठी होती हैं और कहती हैं कि जल्दी से मुझे अपनी अभी सबक याद करके सुनाओ, ऐसी होती हैं ट्यूशन वाली बाजी, नहीं होती, प्यार से पढ़ाती हैं। जनाब आपको तो बहुत अच्छी टीचर मिल गई ट्यूशन में भी और स्कूल में भी। आपकी तरफ आते हैं, आपका क्या नाम है? अर्फा। आप छोटी बहन है ना, तो आप तो आपकी से तो बड़ी डांट पड़ती होगी आपको, है ना? डांटी पड़ती आपकी, ये जो आपकी आपी बैठी हैं ये डांटती तो होंगी कि ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ मुझे दे दो, है ना? करती हैं ऐसे आपी? नहीं करती? करती तो होंगी, बताना नहीं चाह रही, है ना? तंग तो आपी बहुत ज़्यादा, बहुत आपको पता है मेरी भी आपी मुझे बहुत तंग करती हैं। आपकी भी आपी तंग करती हैं आपको? मैं उगलवाना चाह रही हूँ लेकिन वो बता ही नहीं रही अपनी आपकी क्लास। ठीक है भाई, चलता है भाई। अच्छा आप मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में पढ़ती हैं। ओके, कैसी टीचर हैं? अच्छी हैं, सही पढ़ाती हैं, मज़ा आता है पढ़ने में नर्सरी क्लास में? तो गेम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, गेम्स भी खेलती होंगी फिर आप? फिर तो मज़ा आएगा ही जब गेम्स होंगी। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है अर्फा, जिसको आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है? मैथ्स पढ़ने में मज़ा आता है? क्यों मज़ा आता है मैथ्स पढ़ने में, ऐसा क्या है मैथ्स के अंदर? काउंटिंग अच्छी लगती है? हाँ, अभी नर्सरी क्लास में ना, अभी तो काउंटिंग आगे जाएगा तो मज़ा आएगा मैथ्स में। 99 तक पढ़ लेती हैं? वाह, तो आगे बस एक ही डिजिट रहता है 100, वो भी पढ़ लिया करें? 100 तक भी आती है? ओके, ज़बरदस्त हो गया। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? उनका तो मैथ्स है आपकी छोटी बहन का, आपका कौन सा है? इंग्लिश। क्यों फेवरेट है भाई इंग्लिश आपका? ओके, इंग्लिश बुक में स्टोरीज लिखी होती हैं वो आपकी फेवरेट है, ठीक है। और मुझे नूर फातिमा ये भी बताओ कि बड़े होके ना क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, टीचर। टीचर बनना चाहते हो ताकि जैसे टीचर आपको पढ़ाती हैं आप भी इसी तरह से बाकी बच्चों को पढ़ा सके, है ना? इसलिए टीचर बनना है या बच्चों को डंडे मारने के लिए टीचर बनना है? किस लिए बनना है? अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए बनना है या बच्चों की मार कुटाई बनने के लिए टीचर बनना है? अच्छी तरह पढ़ाने के लिए। ओके, आरफा आपने क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनके क्या कर लोगी, क्या करोगी डॉक्टर बनके? नहीं सोचा अभी के क्या करोगी? अभी बस आरफा ने ये सोचा है कि उनको डॉक्टर बनना है, अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि डॉक्टर बनके करेंगे क्या। सोच लेना, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रीटमेंट्स दे देना पेशेंट्स को, ठीक है? कर देगी फ्री? अरे भाई, ये तो हमारे अच्छे डॉक्टर्स फ्यूचर में आने वाले हैं, फ्री ट्रीटमेंट्स हम सबको दिया करेंगे, ठीक है जी। तो बड़ी खामोशी हो गई है तो ज़रा जगाते हैं हमारे नेबर्स को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस्टर बबलू? अरे बस थोड़ा परेशान हूँ। बबलू प्लीज भाई कभी तो कह दिया करे, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, ठीक ठाक हूँ, कान तरस गए बोले कि थोड़ा परेशान भी हूँ। थोड़ा परेशान क्यों है भाई, क्या हो गया आज? अरे मैं ना हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स गाला था। ओके, और मैंने रेस में हिस्सा लिया। हाँ, और फिर हार गए। अरे बस हारा, इस तरह के हिस्सा ही नहीं लिया। हारा इस तरह के हिस्सा नहीं लिया, मतलब स्पोर्ट्स गाला था लेकिन उसमें आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया? अरे पार्टिसिपेट किया था। हाँ, तो फिर हार गए लेकिन? नहीं। अरे क्या कहना क्या चाह रहे हैं जल्दी बताए ना।
अरे वो इस तरह हुआ कि मुझे सारे दोस्तों ने कहा अरे तुमसे नहीं भागा जाएगा, लेकिन मैंने एंट्री करवा दी हुई थी। ओके तो सबने कहा अरे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तुम अच्छा। रहने दो, तुम रहने दो, हार जाओगे। ओके तो फिर मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पार्टिसिपेट ही नहीं किया बबलू, ये क्या बात हुई? अगर मुश्किल, अगर बाकी सबने कहा कि मुश्किल है मुश्किल है, तो इसका मतलब आपने भी हार मान ली और आपने कहा कि मैं खेलूंगा ही नहीं। हाँ, अरे बहुत मुश्किल था वो। बबलू ऐसे कैसे, इतना भागना था। अरे तो क्या हो गया? अब ये देखें, आपको किसी और आपके फ्रेंड्स ने कहा कि बबलू ये मुश्किल है, तुम हार जाओगे। बबलू हो सकता है उन्होंने खुद जीतने के लिए आपको ये कहा हो। हाँ कि बबलू है तो मैंने सोचा ही नहीं, रिंकू जीत गया। हाँ तो रिंकू ने आपको कहा होगा कि बबलू ये बहुत मुश्किल है। उसी ने कहा था। हाँ देखा बबलू, बुद्धू बना दिया आपके दोस्त ने तो आपको। ओहो ये देखे ऐसे दोस्त भी होते हैं। ये दोनों दोस्त पता नहीं अनोखे दोस्त हैं, दोनों की समझ नहीं आती, एक दूसरे को बेवकूफ़ ये दोनों बनाते हैं, लड़ाई झगड़े ये दोनों करते हैं और फिर इनकी आपस की ना मोहब्बतें भी खत्म नहीं होती। बबलू ये क्या सीन है? रिंकू को बताऊंगा, उसने चीटिंग की है मेरे से, धोखा किया, धोखा किया। अच्छा तो क्या ही वो रिंकू क्या ही कर लेगा फिर? हैं वो तो आप, वो तो कहेगा कि बबलू तो कर ले रहा था पार्टिसिपेट, मेरे कहने पे क्यों आप पीछे हटे। हाँ ये भी है। हाँ तो देखे ना, आप तो बेवकूफ बना दिया रिंकू ने और आप बन भी गए इतनी आसानी से। ऐसे थोड़ी फेंटी लगाऊंगा। फेंटी लगाएंगे? अभी ये तो फेंटी और मार्को टाई पे आप फौरन से आ जाते हैं। अरे पहले जबान से बात कीजिएगा फिर आइएगा ना मार्को टाई पे। अरे ये ऐसे समझता नहीं है जबान से। हाँ आपका दोस्त है, आप बेहतर जानते होंगे कि वो कैसे समझेगा। लगानी पड़ेगी कल। अच्छा भाई ठीक है, फिर हमें भी बताइएगा कि फेंटी से कोई फायदा हुआ कि नहीं। ठीक है? हाँ जरूर जरूर। हाँ ठीक है, हम सब वो बच्चे भी और मैं भी, हम इंतजार करेंगे कि आपने फिर हमें बताना है। ओके ओके जी ठीक हो गया। बबलू देखते हैं कि फेंटी लगा के क्या करके आते हैं। कहानी सुननी है आप दोनों ने? सुननी है बहुत मजेदार सी कहानी। अभी हम आपको भी सुनाते हैं और उनको भी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले जनाब आप सबको लेना होगा एक अदद छोटा सा ब्रेक। तो एक काम करते हैं, जल्दी से फटाफट से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, तो देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं हमारी छोटी सी ब्रेक से वापस, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे एक बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का, जिसमें हम सुनते हैं जी बहुत ही प्यारी प्यारी सी और मज़े मज़े की कहानियाँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है स्टोरी टाइम। कहानी हमारी कुछ यूं है कि एक गांव में ना एक धोबी रहता था। धोबी पता है आपको किसको कहते हैं? किसको कहते हैं धोबी? जो के बबलू क्या कहते हैं? हाँ बताए ना क्या कहते हैं? जो बाल काटते हैं, बाल। बबलू उसको नहीं कहते हैं, धोबी नहीं कहते उसको। धोबी किसको कहते हैं? धोबी उसको कहते हैं भाई जो कपड़े धोता है। अच्छा यानी के मेरी मामा धोबी है? मामा धोबी नहीं है आपकी बबलू, वो तो आपके लिए कपड़े धोती हैं। हाँ लेकिन धोबी हम उनको कहते हैं जिनका काम ही यही होता है कपड़े धोने का, ठीक है, जिनकी अर्निंग ही कपड़े धोने से होती है, ठीक है, उसको हम धोबी कहते हैं। अब वो जो धोबी होता है, अब अपनी मामा को धोबी मत कह दीजिएगा, बबलू का कोई पता भी नहीं है, है ना। अच्छा जी, अब वो जो धोबी होता है वो उसका क्या काम होता है कि वो अपना, उसका ना एक गधा होता है उसके साथ, ठीक है, वो उस गधे की हेल्प से अपना सारा धोबी वाला काम करता होता है। वो क्या करता होता है? धोबी है। अरे गधा धोबी नहीं है, गधे से वो हेल्प लेता है कपड़े उसके ऊपर लादने में। अब वो धोबी जो होता है उसका काम ये होता है कि वो सुबह सवेरे उठता होता है, जितने भी कपड़े उसने कलेक्ट किए होते हैं ना लोगों से जो उसको देने आते हैं, वो उन कपड़ों को धोता है, उनको आयरन करता है और उनको एक थैले में डाल देता है। अब वो थैले जब लोगों को उनके कपड़े वापस करने होते हैं ना, तो वो उन कपड़ों को एक थैले में डालता है और अपने गधे के ऊपर उनको लाद देते हैं और उनको गधे को अपने साथ ले जाते हैं और बारी बारी जिन जिन से उसने कपड़े लिए होते हैं वो उनको वापस रिटर्न करते जाता है। तो ये बेसिकली उसका बबलू ये काम होता है, वो यही काम रोज़ाना ना ये करता होता है। अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका, उसके पास जो गधा होता है ना वो होता है बहुत ज़्यादा बीमार, वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लग जाता है और साथ ही साथ वो मतलब उसकी उम्र, गधे की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, वो गधा बूढ़ा होने लग जाता है। तो अब वो जो धोबी होता है, बीमार और बूढ़ा गधा ये क्या काम करता होगा?
हाँ यही तो बात है। आप देखिए बेचारे गधे के साथ आगे होता क्या है बबलू, बहुत ही बुरा होने वाला है गधे के साथ। अब आगे होता ये है कि धोबी और गधा ये दोनों जा रहे होते हैं उसी तरह से अपना काम करने, लोगों को उनके कपड़े वापस रिटर्न करने। वो जा रहे होते हैं अपने गधे को भी साथ लेके, धोबी और ये दोनों जा रहे होते हैं, और चलते 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 जो बेचारा बूढ़ा और बीमार गधा होता है उसका, क्योंकि वो बीमार होता है ना उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, उसका पाँव फिसलता है और वो एक इतने बड़े और इतने गहरे गड्ढे के बीच में जाकर गिर जाता है। अरे, वो गधा तो बेचारा मर जाएगा। गधा गड्ढे में गिरने से मरेगा तो नहीं, लेकिन हाँ बबलू वो मुश्किल में आ गया बेचारा। अब उसका वहां से निकलना हो जाएगा मुश्किल। अब जब उस गधे को गधे के मालिक को पता चलता है कि भाई उसका तो गधा गिर गया गड्ढे के अंदर, तो वो बेचारा पहले तो हो जाता है बहुत ज़्यादा परेशान और फिर गड्ढे के अंदर उतरता है अपने गधे को बाहर लाने के लिए। लेकिन जब वो उसके अंदर चला जाता है तो वो देखता है कि भाई इस गधे को तो बड़ा मुश्किल काम है बाहर निकालना। पहले वो बड़ा परेशान होता है, फिर वो ज़रा सोचता है कि इसको किस तरह से बाहर निकाला जाए, लेकिन उसकी सारी तरकीबें और उसके सारे आइडियाज़ ना फेल हो जाते हैं क्योंकि कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही होती। तो फिर क्या होता है कि जो गांव के बाकी लोग होते हैं, यानी कि उस गांव में जो रहने वाले बाकी अफराद होते हैं, वो सब वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और लोग जब देखते हैं कि ये दोनों मुश्किल में हैं तो जो धोबी होता है सब उसको कहते हैं कि ये तो इतना ज़यीफ़ और इतना बूढ़ा और इतना बीमार गधा हो चुका है कि इसको तो बाहर निकालना एक फजूल सा काम है, मतलब अगर इसको हमने बाहर निकाल भी दिया तो ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये तो तुम्हारे कोई काम कर ही नहीं सकता, कोई मदद भी नहीं कर सकता। तो एक काम करो, इसको निकालने के बजाय ना तुम इसको ऊपर यहीं पे मिट्टी डाल दो और इसको बस यहीं पे ख़त्म कर दो, ठीक है। अरे उसको बेचारे को वहीं पे मार देंगे। हाँ इरादा तो उनका कुछ यही है, लेकिन अरे कितने जालिम लोग हैं, बहुत जालिम लोग हैं। अपनी बारी बबलू जो करते तब बबलू जालिम नहीं होते, जो लड़ाइयाँ करके आते हैं स्कूल में। अरे मैं तो नहीं लड़ाई करता, मैं तो बस फाइट करता हूँ, फाइट। हाँ बबलू लड़ाई नहीं करते, फाइट करते हैं। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा जी, अब वो आगे जो बाकी गांव के अफराद होते हैं, लोग होते हैं, वो उसको कहते हैं कि इसको बस इसके ऊपर ये भी मिट्टी डाल दो, इसको बाहर निकालने की ना तुम कोशिश मत करो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो पहले तो धोबी कहता है कि अरे ये तो मेरा इतना प्यारा गधा है, इसने मेरे इतने काम किए हैं, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूँ। हाँ छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन गांव वालों की बातों में आकर वो धोबी भी कहते हैं कि हाँ वैसे ये सब कह तो बिल्कुल सही रहे हैं कि अगर मैंने इसको बाहर निकाल भी लिया तो ये इतना बूढ़ा हो चुका है, इतना बीमार रहने लग गया है कि मैं इसकी मदद करूँगा ना कि ये मेरी मदद करेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि मैं इसको यहीं पर ही छोड़ दूँ। तो वो गधा बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, उसके तो इतने आंसू आना शुरू हो जाते हैं, धोबी भी बहुत ज़्यादा रोने लग गया। बेवकूफ गधा बबलू, ठीक है बबलू तो कहानी के बीच में चले जाते हैं, बिल्कुल बबलू ठीक है, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ना भाई, धोबी के साथ वो गधा इतना पुराना रह रहा था तो वो उनके बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई कि वो जब उसको छोड़ने की बात की तो वो धोबी को भी रोना आ गया। अरे और उससे चाहिए था दो टांगे मारता धोबी को। बबलू अब हर कोई आपकी तरह नहीं ना होता, अब हर किसी ने आपसे ट्रेनिंग नहीं ना ली होती, गधे को चाहिए था आपसे ट्रेनिंग ले लेता टांग मारने की, है ना। अरे उससे तो आती है, उसको आती है, ठीक है। अच्छा बबलू आगे कहानी तो सुने हमारी, अब आगे आगे क्या होने वाला है भाई। आगे ये होने वाला है कि वो जब गांव वालों की बातें सुनते हैं तो वो धोबी उनकी बातों में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ वैसे कह तो ये बिल्कुल ठीक रहे हैं क्योंकि फ़ायदा तो कोई नहीं है इसको बाहर निकालने का, तो इसको हम यहीं पर ही ख़त्म करके यहीं पर इसको छोड़ के मैं चला जाता हूँ। तो अब वो जो सारे गाँव के लोग होते हैं वो उसके ऊपर बारी बारी मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं, मतलब जो मिट्टी वहाँ पर मौजूद होती है ना वो उस मिट्टी को उठा कर आरफा उस गधे के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, वो उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं, धोबी भी उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। तो वो गधा तो बहुत ज्यादा रोता है, बहुत ज्यादा अपनी आवाज निकालना शुरू कर देता है। अरे वो गधा धोबी, हाँ ऐसे ही रोता है, बिल्कुल ऐसे ही रोता है अपनी गंदी सी आवाज में। आपको पता है ना कि सबसे जो गंदी आवाज है वो कहते हैं कि किसकी है, गधे की। अरे शेर की नहीं, गधे की। तो वो हाँ, तो वो गधा अपनी आवाज में ना रोना शुरू कर देता है, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमें बबलू ने रो के दिखाया, वो भी ऐसे ही रोना शुरू कर देता है। तो वो अब सारे बारी बारी उसके ऊपर मिट्टी डालना कर देते हैं शुरू, लेकिन वो जो गधा है वो जरा अपनी अक्लमंदी लगाते हैं, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं। क्या करता है गधा, है ठीक है लेकिन अक्ल उसके पास भी है बबलू। वो गधा बड़ी अकलमंदी से काम लेता है और उसके ऊपर जैसे जैसे वो गांव के लोग और धोबी मिट्टी डालना शुरू करते हैं वो उस मिट्टी को अपनी बॉडी पर से नीचे गिराता है
और जैसे ही मिट्टी नीचे गिरती जाती है वो मिट्टी उसके वो अपने पाँव उस मिट्टी से निकाल के ऊपर रखता जाता है, ठीक है। मिट्टी डालते जाते हैं, गधा ऊपर आता जाता है। अब इसी तरह से करते 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 वो गधा, क्योंकि वो जो गड्ढा होता है उसके अंदर इतनी मिट्टी डल जाती है कि वो ज़मीन के साथ बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो वो जब उसके ज़मीन के साथ बराबर आ जाता है तो वो गधा वहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकल जाता है। अरे बाहर निकल जाता है वो गधा। अरे बाहर आके उसे तो मर जाना चाहिए था। अरे क्यों मर जाना चाहिए भाई उसको? अरे उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया। हाँ ये तो वैसे अफसोस की बात है, लेकिन धोबी को भी इस चीज का अफसोस जल्दी होगा हमारी कहानी में। धोबी को मर जाना चाहिए। अब क्यों सबको मारने के चक्रों में है बबलू? क्यों मर जाना चाहिए भाई धोबी को? क्यों मर जाना चाहिए? उसने अपने जानवर को छोड़ दिया। हाँ वो अपनी वो भी पछताएगा ना अपनी इस गलती पर। उसे तो मारनी चाहिए करके। प्लीज प्लीज मत मारें आप यहाँ पे स्टोरी टाइम के सेट पे, आप प्लीज मार कुटाई ना करें, ये तो जज्बाती होगी बबलू है, इनको संभालना पड़ेगा जरा। खैर बबलू अब आगे क्या होता है कि वो जब बाहर निकल जाता है तो वो अपने मालिक के साथ यानी धोबी को देखकर बड़ा खुश होता है, और वो जो उसका मालिक होता है गधे का, वो भी जब अपने गधे को देखता है तो वो उसको अपनी गलती का पछतावा होता है और वो बड़ा सैड हो जाता है कि मैंने जो फैसला किया था वो तो बहुत बुरा था, मुझे अपने गधे को इस तरह से मुश्किल टाइम में वहाँ पर छोड़कर और गाँव वालों की बातों में आकर ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। खैर वो धोबी बहुत ज़्यादा सैड होता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो इस चीज़ को भूल कर वो वापस अपने गधे को ऑन करता है, ठीक है, और वहाँ से माफ़ी मांगता है। हाँ वो अपने गधे से गधा कहता है कि मुझे पिज्जा खिलाओ फिर मानूंगा। नहीं 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 गधे की ऐसी कोई डिमांड नहीं बबलू, गधा बेचारा बहुत शरीफ है। अरे वो गधा है ना इसलिए। हाँ वो गधा है इसलिए, ठीक है। अब वो क्या करता है मालिक और गधा, वो दोनों अच्छे बच्चों की तरह दोनों वहां से निकल जाते हैं और वापस से अपने गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की तो जो मसले थे ना कि गधा फंस गया गड्ढे में और जो धोबी था वो उसने उसको ऑन ही नहीं करा था और वो कहता है ठीक है भाई इसको यहीं पर इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। खैर ये वाली जो सारी सिचुएशन थी ये यहाँ पर हो गई सॉल्व। गधे ने अपनी अक्लमंदी के साथ खुद को एक बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर हमारी ये मज़ेदार सी कहानी तो हो गई जनाब ख़त्म। तो जरा बबलू से पूछते हैं कि बबलू ने क्या सीखा हमारी इस कहानी से? अरे बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ में से एक बात बताएं क्या सीख है? अरे सबसे पहले तो इसका जो मोरल लेसन है ना वो बता देता हूँ। हाँ हाँ बताएं। अगर कोई गड्ढे में गिर जाए तो हमें ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे, अगर कोई गड्ढे में गिर जाए तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। योर वेलकम बबलू। कल से अगर कभी आपको मैंने गड्ढे में गिरा हुआ देखा ना तो आपको निकालूंगी नहीं, आपके ऊपर मिट्टी डाल दूंगी, ठीक है। ये क्या बात हुई? खुद ही बोला है आपने। अरे आपकी कहानी से मैंने ये मतलब निकाला है। हाँ तो आपके साथ ये करूंगी ना मैं फिर। अरे मेरे ऊपर क्यों डालनी है? क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं कि मुझे करना पड़ेगा ये काम जो आपने अभी मुझे अच्छा आइडिया दे दिया वैसे बबलू ने, है बबलू, ठीक है। बबलू हो चुके सैड। खैर हमारी कहानी का ये मोरल लेसन ये था बबलू, हमारी कहानी का मोरल लेसन ये था जनाब के हमें मुश्किल वक्त में भी अपनी अक्ल को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अगर हम किसी मुश्किल वक्त में पड़ जाते हैं ना तो हमें ज़रा अक्ल को इस्तेमाल करते हुए और ज़रा रिलैक्स होकर सोच कर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि अगर गधा उस टाइम सही फैसला ना करता और एक अच्छा आइडिया उसको ना आता तो वो क्या कर लेता? कुछ भी नहीं करता और वो उसी मिट्टी के नीचे दब के मर जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी जान को बचाया खुद ही। अच्छा हाँ तो ये सीखा था हमने कहानी से बबलू, वो नहीं सीखा था जो आपने सीख लिया। अरे ये भी मैं सीखूंगा। यही सीखना, वो पहले वाला जो आपने बताया उसको भूल जाएं, वो नहीं था इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके ओके। हाँ, ये बबलू का कोई पता नहीं है, ये मॉरल लेसन सीख के अपने स्कूल के बच्चों को गड्ढे में गिरा के उनके ऊपर मिट्टी डालना शुरू करने है ना, बबलू के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता भाई। तो आप दोनों को कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी थी ना, और हमने कितना अच्छा सबक सीखा हमारी कहानी से कि हमें मुश्किल टाइम में घबराना नहीं चाहिए, किसको इस्तेमाल करना चाहिए? खाने को, अक्ल को इस्तेमाल करना चाहिए बबलू, खाने को। खैर एनीवेज बबलू को भूख लगी मुझे लगता है, तो इससे पहले कि भूख इनकी बाहर आ जाए हम फटाफट से एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
वेलकम बैक। हम आ चुके हैं हमारी बहुत ही छोटी सी ब्रेक से वापस, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे स्टोरी टाइम पर एक अगले बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का, जिसका नाम है जनाब डू यू नो। तो जल्दी से चलकर देखते हैं कि आज हम इस सेगमेंट में कौन सी मज़ेदार सी बात सुनने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बहीरे मुर्दार के बारे में जानेंगे, जिसमें लोग डूबते ही नहीं। बहीरे मुर्दार उर्दन में वाक़ है और इसका पानी दूसरे समंदरों की नस्बत 10 गुना ज्यादा नमकीन है। इस पानी में जोड़ों और जिल्द की बीमारियों के लिए शिफायाबी पाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि नमकियात के बायस इस पानी में कोई डूबता नहीं है और लोग इसकी सतह पर तैरते रहते हैं। इसकी सतह समंदर से 1486 फीट नीचे वाक़ है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी, तो वापस आ चुके हैं हमारे सेगमेंट से, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही मज़ेदार आपको ये हमारी आज की इन्फॉर्मेशन लगी होगी। और ये बहुत मज़े की बात है कि अगर हम इसमें से पानी निकाल कर पिएँ तो जिनको जॉइंट्स में पेन रहती है उनकी वो पेन दूर हो जाती है। ओके, तो मतलब जल्दी जल्दी सब जाएँ और उस पानी को ढूंढना शुरू कर दें, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट भाई, जिसका नाम है बबलू खेल में। बिल्कुल सही बबलू को, थैंक गॉड भाई नाम याद हो गया हमारे सेगमेंट के। और यहाँ पर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों आप दोनों को गेम्स खेलना पसंद है? घर में तो दोनों गेम्स खेलते हो बहुत ज्यादा। खेलते हो? कौन सी गेम्स खेलते हो घर में? अरे लड़ाई वाली। लड़ाई वाली सिर्फ आप और आपका भाई खेलते हैं। आप दोनों कौन सी खेलते हैं? हम गेम्स। हाँ, कौन सी गेम्स खेलते हैं हम? लड़ाई वाली तो वाकई में लड़ाई वाली तो नहीं खेलते? नहीं। ओके, थैंक गॉड। फिर कौन सी खेलते हैं हम? छुपन छुपाई वो पकड़ाई। हाँ, और मछली कहाँ चलिए। ओके, सबसे मजे की पता है कौन सी? तो छुपन छुपाई सबसे मजे की गेम होती है ना। तो कौन आसानी से पकड़ा जाता है इस गेम में? ये पकड़ी जाती है आसानी से। वाह जी वाह, तो ये तो मजे की बात है। अब अरफा आप तो उस अब घर में भी गेम खेलते हुए आसानी से पकड़ी जाती हैं। अरे बहुत बुरी गेम है छुपन छुपाई, बहुत बुरी। अरे छुपन छुपाई बुरी क्यों है? अरे एक बार मैं ना फ्रिज में छुप गया और मैं तो बीमार हो गया। फ्रिज में कौन छुपता है भाई? अरे मैं छुपा था। कौन छुपता है? हाँ मैं। बबलू आप तो अजीब ही मखलूक है, फ्रिज में पहले कौन छुपता है मुझे ये बता दो। मेरी बात सुने, फ्रीज तो नहीं हो गए थे कहीं? अरे बहुत ज्यादा सर्दी लगी, सर्दी लग के मैं तो बीमार हो गया। ओए होए, बनता भी है बबलू, ये वैसे क्या हरकत की आपने? किसने आपको आइडिया दिया था फ्रिज में छुपने का? अरे वो डबलू मुझे हर जगह पे ढूंढ रहा था। तो फ्रिज में छुप गए? हाँ। वाओ, वेरी नाइस। और अंदर से लॉक कर लिया। अंदर से लॉक कर लिया फ्रिज? हाँ। बबलू मुझे बेवकूफ मत बनाए, एक बात बताइए अंदर से फ्रिज कौन सा लॉक होता है? हाँ? अरे हो जाता है। कोई फ्रिज अंदर से लॉक नहीं होता, फ्रिज तो सब बाहर से लॉक होते हैं, अंदर से कौन सा फ्रिज लॉक होता है? अरे मैंने कर लिया था। ये बबलू मुझे अब बेवकूफ बना रहे, कोई अंदर से फ्रिज लॉक नहीं होता, अपने से बातें। बबलू की वैसे आदत पड़ गई अपने से बातें बना के लगाने की, है ना बबलू? मुझे लग रहा है थोड़ा। नहीं नहीं, क्या बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। ये पता नहीं क्या अरफा, ये ना मैं सुनूँ कि आपकी, आप ही मुझे बताएं कि बबलू की वो बात सुन के तो अरफा फ्रिज में छुप गई, ऐसा तो नहीं करने वाली आप? ये ना मुझे कल अरफा की मामा की कॉल आए और अरफा की मामा मुझे बताएं कि अरे ये बबलू ने कौन सी बात बता दी अरफा को, अरफा तो आज फ्रिज में छुप गई। ऐसा तो नहीं होगा ना? ओके चलो, ये अच्छी बात है। नहीं, ये तो ओवन में छुपेगी। ओवन में कौन छुपता है ओवन में? चले जी, एक पहले फ्रिज में। ओवन तो छोटा सा होता है। ओवन तो छोटा सा होता है, वो कैसे उसके अंदर पूरी आएंगी? हां तो ये भी छोटी सी है, छुप जाएगी। इतनी भी छोटी सी नहीं है कि ओवन में छुप जाएगी। जी बातें बबलू की वैसे ना। अच्छा, ओवन के अंदर अगर हम अरफा को बिठा भी दें, छुपा भी दें और बाहर से हम टाइमर कर दें उसका ऑन, है बबलू तो क्या ही हो जाएगा, रोस्ट बन जाएगा अरफा का, बन जाएगा रोस्ट अरफा, मजा ही आ जाएगा फिर तो। क्या ख्याल है, करके ट्राई करके देख लेंगे? ट्राई करने ये वाली चीज नहीं ट्राई करेंगे, बड़ी खतरनाक आइडियाज बबलू हमें देते हैं। बबलू ये आपका आइडिया हम बिल्कुल फॉलो नहीं करने वाले। खैर एनीवेज, यहाँ पे बबलू की बातें तो ऐसी चलती रहेंगी, हम एक काम करते हैं अपनी गेम को शुरू करते हैं भाई। क्या अरे मैंने अब सोचा मैं ना पानी की टंकी में छुपूंगा।
बबलू पानी की टंकी में क्या मतलब कहाँ से लेकर आते हैं ये मजे मजे के आइडियाज? हाँ पहले कभी फ्रिज में, कभी अवन में, कभी पानी की टंकी में। वाओ पानी की टंकी में आपको छुपाएगा कौन वैसे? अरे मैं खुद छुप जाऊंगा। डालेगा कौन आपको उसके अंदर? मैं खुद चला जाऊंगा। वैसे ये बहुत अच्छा करेंगे आप। हैं बबलू आप पहले पानी की टंकी में छुपे और हम ऊपर से टंकी कर दे बंद और बबलू से हमारी जान जाए छूट, ठीक है? बबलू की ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कर ले बबलू, बहुत अच्छा आइडिया आपका, इसको फॉलो करें, जल्दी करें। अरे नहीं 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 नहीं। अरे हाँ 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 करें भाई, अब ये क्या बात हुई, हमें हमारा फायदा नजर आया तो आपने इनकार कर दिया। अरे नहीं अपनी छुपना बस। एनीवेज यहाँ पे हम अपनी कहानी हो चुकी भाई, क्या मुझे लगता है मैं भी कहानी पे रुकी हुई हूँ। कहानी खैर हमारी हो चुकी है, हम हमारी गेम शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? देखते हैं कि हमारी जो खेल में मजेदार सी गेम है इसको आप लोग कितना एंजॉय करते हैं और कौन होता है इस गेम में विन। तो जनाब जल्दी से हम हमारे सेगमेंट शुरू करते हैं जो कि है खेल। तो भाई मैं तैयार हूँ, बच्चियां तैयार हैं और यहाँ पर बबलू से पूछते हैं वो भी तैयार हैं कि नहीं। अरे बिल्कुल तैयार है। तो फिर आप मुझे जरा जल्दी से ये भी बता दें कि किसके साथ टीम बना रहे हैं आज आप? सोच रहे हैं बबलू। अर्फा के साथ अर्फा आपको तो बबलू ने, वाह भाई वाह क्या बात है भाई, दोनों की टीम बन चुकी है इधर, ठीक है? तो क्या ख्याल है नूर, आपकी और मेरी टीम हम बना लें, ठीक है? हम दोनों जीत के दिखाएंगे इन दोनों को, ओके? और अब पता है हमने टीम क्यों बनाई? आप दोनों को मैं बता देती हूँ कि अगर नूर आप जीत गई ये गेम तो मैं जीत जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि वो जरा आप दोनों का तो कॉम्पिटिशन होगा ही होगा, लेकिन जरा हम जीत जाएंगे, बल्कि जीत गए। जीतते हैं बबलू, ठीक है आज हम आपको जीत के दिखाएंगे। अरे चले देख लेते हैं क्या बनता है आपका, अब तो पता नहीं क्या ही बनेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि आज नूर हम जीतेंगे, ठीक है? नूर अगर आप जीती तो मैं जीतूंगी और अल्फा अगर आप जीती तो बबलू जीत जाएंगे, ठीक है? क्योंकि आप दोनों का तो कॉम्पिटिशन है ही है, लेकिन ये बबलू का और मेरा भी बड़ा टफ कॉम्पिटिशन होता है इस सेगमेंट के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले क्या ख्याल है, दोनों में से किसको बुलाऊं? आपको बुलाऊं, ठीक है जी। तो बबलू सबसे पहले हम नूर को बुलाते हैं, ठीक है? और हम हमारी ये गेम करते हैं जरा आप शुरू। नूर आ जाए, बच्चे जल्दी से इधर आ जाएं, आप इधर सेंटर में खड़ी हो जाएं। मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसमें करना क्या है। आपके पास टाइम है 1 मिनट का, ओके? अच्छा जी, तो नूर रुके भाई, अभी पहले रूल्स तो सुन लें। हर गेम के होते हैं कुछ रूल जिनको हमें करना होता है फॉलो। अब हमारी गेम के कौन कौन से रूल्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हमने यहाँ पर आपको दिया है, ये बिल्कुल कोई रूल नहीं है, ये बबलू की बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना, ठीक है? ये बबलू आपको जो भी गाइड करेंगे सब गलत करेंगे, ठीक है? तो बबलू की बात सबसे पहले आपने बिल्कुल नहीं सुननी, क्योंकि जो मेरा पार्टनर होता है ना बबलू, उसको बहुत तंग करते हैं, ठीक है? तो आपने बबलू की सबसे पहले इग्नोर करना, ये रूल नंबर 1 है कि बबलू को इग्नोर करना, ठीक है? और जो रूल नंबर 2 है वो ये है कि हम आपको दे रहे हैं 1 मिनट का टाइमर, ओके? आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा और उससे उसके अंदर अंदर रहते हुए आपने जितनी ज़्यादा बॉल्स उसके अंदर फिट कर दी तो वो आपके सारे स्कोर्स हम काउंट करेंगे, ओके? तो जैसे मैं 3 बोलूँगी आप हमारी ये गेम शुरू कर देंगे, तो 1 2 3 स्टार्ट। और टिप लगा के अंदर जाना चाहिए, गुड, आराम से फेंकेंगे ताकि अंदर जाए, आराम से, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे बड़े सारे फेंक दो और शाइन, ओह वेरी गुड वेरी गुड, आराम आराम से फेंक, वेरी गुड, एक स्कोर तो हो गया भाई यहां पे हमारा, ओके ओके वेरी गुड, ऐसे बोल जोर से फेंको, जोर से, नहीं नहीं नूर आराम से फेंकना, मैंने आपको पहले ही बताया था, अरे जोर से फेंक दो बाहर, ओके और फेंक, दोबारा फेंक, अरे जोर से फेंको बाहर, अरे नहीं टिप लगा के फिर बीच में फेंकना, बाहर फेंको बाहर बाहर बाहर, वेरी गुड, 2 स्कोर हो गए यहाँ पे नूर के। एंड लेट सी के नूर, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म, कोई टाइम खत्म नहीं हुआ, जरा सुकून से बैठे आप, ओके, अरे जोर से फेंको, जोर से डायरेक्टली फेंकना नूर, टिप लगा के फिर फेंकना, जल्दी जल्दी टाइम कम है, ओके जी। तो 10 सेकंड्स का टाइम रहता है, काउंटडाउन शुरू करेंगे, 10 9 8 7 गुड, 6 और उठा लो, 5 4 डायरेक्टली फेंकेंगे नूर, वो काउंट नहीं होगी, 2 1 उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, अरे नूर बॉल उठाने में टाइम जाया कर दिया आपने, अरे ये क्या कर दिया, मैं कह भी रही हूँ जो बॉल्स गिर गई उनको छोड़ दो, सोने नहीं रहे नूर अपनी गेम में मगन, हाँ आप हार गए, हम ये तो बबलू की सही, वेरी गुड वेरी गुड, आप बबलू के सही पार्टनर लगे हैं भाई, अभी आपकी टर्न, वेरी गुड, ये हार गए हार गए, अरे सुकून करें जरा, ये तो जरा सुकून करें, दोनों आप दोनों पार्टनर्स हैं ना,
अभी उन्होंने कितने स्कोर्स किए हैं आपने नूर? फोर स्कोर्स किए हैं। हो सकता है आपसे शॉट में कर देगी। अरे हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। ये मुझे बोलने नहीं देते गेमिंग सेगमेंट में, तो ये मुझे बोलने नहीं देते ना। अल्फा अल्फा कौन जीता आप बताओ? बबलू आपके बहुत पिटाई लगने वाली है, चुप कर जाए 2 मिनट के लिए, ठीक है? आपकी आवाज़ नहीं आया मुझे। और अब मेरी बात सुनिए अरफा, आपके अगर हो सकता है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 स्कोर्स हों, फिर आप हार जाएंगी जनाब। अपनी आप ही को आप अभी से कह रही हैं कि हार गई। अभी कैसे आप तो, ये तो सही पार्टनर बन गई बबलू की भाई। चले जी नोट, जल्दी से भागेंगे, बैठ जाएंगे अपनी जगह पर, ठीक है? और यहाँ पर अब बारी है हमारी दूसरी बहुत ही क्यूट सी डॉल की, जो यहाँ पर आई हुई है। इनको ज़रा बुलाते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पर कितने स्कोर्स करती हैं। तो भाई यहाँ पर हमने सेट कर दी है हमारी प्यारी सी अरफा को। और अरफा क्या भाई तैयार हो? क्या लगता है खेल लोगी जीत जाओगी? ये तो पहले ही कह रही थी ये जीत जाएंगी। बबलू भाई आपकी पार्टनर आ चुकी हैं। अरे ये तो जीत गई है, जीत गई है। अब जरा, अब पहले तो वैसे ही चुप नहीं हो रहे थे और अब तो बिल्कुल चुप नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब उनकी पार्टनर जो आ गई है। तो अरफा रेडी हो? चले जी, तो आपके पास भी सेम 1 मिनट का टाइम है। और आपने अगर 5 स्कोर्स कर लिए तो आप विन हो जाएंगी, और अगर आपने 3 स्कोर्स कर लिए तो गेम हमारी हो जाएगी यहाँ पर ख़त्म और आप हार जाएंगी, ठीक है? तो आपका 5 स्कोर्स करना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं तो मिनिमम 4 स्कोर्स तो आपको करने ही करने हैं। तो यहाँ पर जल्दी से हम हमारी इस गेम को, यानी कि अरफा के साथ इस गेम को करते हैं शुरू। तो 1 2 3 स्टार्ट। दोबारा और उठाओ, वेरी गुड वेरी गुड। आराम से, जो बॉल गिर गई है ना उसको वहीं पे छोड़ दें। और अरे आराम से फेंकेंगे। ओके, एक स्कोर हो गया। बबलू की दुआएं काम आ रही है मेरे ख्याल से। गुड 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 गुड। फेंके नहीं गई। और बॉल उठाएंगे जल्दी से। हाँ और बोलो, और आराम से फेंको। आप बहुत जोर से फेंक रहे हो, जोर से फेंकोगे तो वो नीचे ही जाएगी। ये बहुत ही आराम से हो गया। अरफा थोड़ा सा ऊंचा बैठे। हाँ और बॉल उठाओ। वेरी गुड वेरी गुड गुड। नहीं हुआ, और बॉल उठाओ जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं हुआ, और बॉल उठाओ और जल्दी 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 जल्दी। काउंटडाउन स्टार्ट करने के बबलू। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अच्छा ठीक है, मतलब टाइम खत्म होने को आ गया, तो हम चीटिंग पर ही आ गए पूरी तरह। हाँ ये दोनों बहुत चलाक हैं। ये क्या चीटिंग पे आ गया? अब मैंने आपको इतनी दफ़ा कहा भाई टिप करके देन उसको बीच में फेंकेंगे, तो लास्ट वाली जो 2 बॉल्स हैं वो हम काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है? और बबलू ये तो यहाँ पे मुझे टाई होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर हम 2 बॉल्स को काउंट नहीं करें, ठीक है, तो पीछे इनकी रहेगी 4 बॉल्स। और 4 स्कोर ही किए थे हमारी प्यारी सी नूर ने, और 4 स्कोर ही कर दिए हमारी अरफा ने। तो यहाँ पर ये तो हो गया 5 फेम। अरे नहीं, जीत गए। अरे कैसे जीत गए भाई? अरे 6 हो गए। 6 कैसे 6 हो गए? अरे देखे गिन ले बबलू, वो जो 2 थे वो उन्होंने डायरेक्ट करीब जाकर फेंके हैं, तो उनको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। अरे अभी चीटिंग कर रही, चीटिंग। अब ये देखिए, अब इसमें मैंने क्या चीटिंग की? नूर हमने कोई चीटिंग की है? नहीं की। अब ये बबलू ऐसे ही रोते रहेंगे चीटिंग कर दी, क्योंकि बबलू से तो बर्दाश्त ही नहीं होता अगर बबलू हार जाए तो। ऐसे ही करते हैं ये। तो यहाँ पर 2 स्कोर हम 2 बॉल्स यानी कि हम काउंट नहीं करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर रह जाती है जनाब 4 बॉल्स। तो 4 और 4 स्कोर्स दोनों ने किए, तो यहाँ पर हम दोनों यानी कि हम और ये दो, हम दोनों टीम्स के बीच में हो चुका है यहाँ पर टाई। और क्लैपिंग बनती है जनाब अपने लिए, अपने लिए क्लैपिंग करेंगे दोनों। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेगमेंट है ये होता है यहीं पर ख़त्म, और जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। लेकिन उससे पहले तो हमें लेना पड़ेगा एक ब्रेक, क्योंकि इतनी भी जल्दी क्या है भाई। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं हमारी छोटी सी ब्रेक से वापस, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का, जिसका नाम है फटाफट। हाँ ठीक है, इतना भी फटाफट नहीं। अच्छा जी बच्चों, पता है हमारे सेगमेंट में होता क्या, मैं आप दोनों को बता देती हूँ। मैं ना आप लोगों से बहुत ही आसान आसान से ना सवाल पूछूंगी, ठीक है, और आपको ना उसको मुझे जवाब देने होंगे, ओके? और अगर आप दोनों ने जवाब देने में देरी कर दी ना, तो ये जो मिस्टर बबलू है ना, ये काउंट डाउन करना शुरू कर देंगे, ओके?
तो आप दोनों ने ट्राई करने के फटाफट से जवाब दें, ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारी अरफा से। अरफा रेडी हो? ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये कि हाउ मेनी मंथ्स डू वी हैव इन अ ईयर? एक साल में कितने महीने होते हैं जनाब? 5, 4, 3 नहीं होते? 2 नहीं, आप नहीं बता सकते? 1, 0, 0 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हाउ मेनी डेज डू वी हैव इन अ वीक? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 5, 4 एक हफ्ते में, एक पूरे वीक में कितने डेज होते हैं? 2, 5, 1 नहीं, 5 पे ही क्यों अटकी हुई आप? जरा आगे भी बढ़े। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि विच नंबर कम्स आफ्टर 6? 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7। ओके ओके ओके, गुड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाट आर योर इयर्स फॉर? हमारे कान किस लिए होते हैं? 5 कान किस लिए होते हैं? 3 अरे कान किस लिए होते हैं अरफा? 1, 0 सुनने के लिए। किसके लिए? सुनने के लिए। हाँ, तो इतना सोचना क्यों पड़ गया इस सवाल पे आपको? इतना आसान सा था। चलें ठीक है, गुड हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वी यूज आवर आईज टू सी, हेयर, फील और ईट। हम अपनी आंखों को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? देखने के लिए। देखने के लिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे कितने सवालों के जवाब दिए अरफा ने? 3 सवालों के सही जवाब दिए हैं, वेरी गुड। तो अरफा, 3 सवालों के तो आपने अच्छे से हमें जवाब दे दिए। तो अब बारी आपकी, आपी की यानी कि नूर की। नूर रेडी हो? ठीक है, आसान आसान थे ना, आपसे तो और भी ज्यादा आसान होंगे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है नूर, वो ये है कि बेबी ऑफ डॉग इज कॉल्ड? डॉग का जो बेबी होता है उसको क्या कहते हैं? क्या? पपी। ओके जी, गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ग्रोस क्विकर, हेयर और टोनेल्स? सबसे ज्यादा कौन सी चीज इन दोनों में से ग्रो करती है? हमारे हेयर, ठीक है, या फिर हमारे टोनेल्स? हाँ, वेरी गुड। वैसे ये मजे, बहुत मजे का क्वेश्चन है ये। वैसे कॉमनली यही होता है कि हेयर ज्यादा ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो ग्रोथ सिस्टम होता है वो सबका फिर जाहिर है डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ के टोनेल ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, कुछ के हेयर, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हेयर ज्यादा जल्दी ग्रो करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हाउ मैनी सूरा आर इन होली कुरान? हमारी जो प्यारी सी किताब है कुरान पाक, उसके अंदर टोटल कितनी सूरा है? 5, 4, 3 उसको कितने पार्ट में तकसीम किया गया? कितने पार्ट? हाँ, जिसको हम उसके पार्ट कहते हैं सिपारा, तो वो जो सिपारे हैं वो कितने? 2। वेरी गुड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका वो, अच्छा वो जैसे जवाब दे रहे बबलू टेंशन में आते जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो ये है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट? प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जल्दी से हमें वो बता दो। वाटर। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? वाटर। 3 वाटर उसका पार्ट थोड़ी है, वो तो हम उसको देते हैं पानी। 1 प्लांट के कौन कौन से पार्ट है? 0 टाइम भी खत्म हो गया। ओहो जी, तो यहाँ पे हमारी जो नूरा, उन्होंने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं बबलू? 3 ओके, तो 3 ये क्या हो रहा है आज हमारे शो पे? हाँ मतलब ठीक है, दोनों बहनें हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं हर गेम सेगमेंट में और हर सेगमेंट में यहाँ पर टाई होता जा रहा है। हाँ हमारे गेमिंग सेगमेंट में यानी कि खेल खेल में भी हो गया था टाई, और ये जो हमारा फटाफट वाला सेगमेंट है इसके अंदर भी हो गया टाई। ये दोनों मुझे लगता है डिसाइड करके जल्दी से दोनों अपने क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेगमेंट है फटाफट वो होता है ख़त्म, और बारी है बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट की जिसका नाम है जी आर्ट प्लैनेट। तो जल्दी से चलकर देखते हैं कि हम आज के एपिसोड में इस सेगमेंट में क्या सीखने वाले हैं। तो जी जल्दी से चलकर देखते हैं ये सेगमेंट जिसका नाम है जी आर्ट। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा दी, आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब हमारा शो पसंद कर रहे होंगे। आज मैं आपको बड़ी ही आसान चीज़ बनाना सिखाने वाली हूँ। देखिए, ग्लास की बॉटल्स हमारे पास होती ही हैं घर में, अक्सर किसी न किसी चीज़ में हमें ये बॉटल्स अवेलेबल मिल जाती है, तो इसे हम रीयूज़ करेंगे फेंकने के बजाय, और इसे खूबसूरत डेकोरेट करेंगे ताकि हम इसे अपने घर के किसी भी कॉर्नर में सजा सकें। तो ये देखिए, एक मैंने रेडी किया, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपने कोई भी लेस लिया और इसके अराउंड रैप कर दिया,
और जिसका कैप है उसे भी आप डेकोरेट करेंगे बिल्कुल इजीली। आपने कोई भी शीट लगा ली, बीच लगा लिए, लेस लगा ली, रिबन्स लगा ली, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने ले लिया है ग्लास। अच्छा, इसके लिए जो हम ग्लू यूज़ करेंगे वो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लू यूज़ करेंगे। लेस को पहले ही मैंने इसके साइज का कट कर लिया है। मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। जो ये लेस का एज है इसे भी हम ग्लू से ग्लू लगा लेंगे यहाँ। फिर हम जो इसका दूसरा एज है उसको स्टिक कर देंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। देखिए स्टिक हो गया। आए इसकी कैप को अब हम डेकोरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ग्लू लगाया। अच्छा, अब टर्न आई है कि हम इसके कैप को डेकोरेट करें। तो ये हमारे पास फॉर्मिक शीट्स होती हैं, तो हम फॉर्मिक शीट में से एक सर्कल कट कर लेंगे। आपकी मर्जी है, आप किसी भी कलर का सर्कल शेप कट कर सकते हैं। इसे हम ऊपर स्टिक कर लेंगे। अच्छा, बीट्स, अब हम इस पर लगाएंगे बीट्स। तो बीट्स के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ज़रूरी नहीं कि बीट्स को ख़रीदने ही जाऊँ। घर में हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो हम अगर ख़राब हो जाए तो हम वहाँ से बीट्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर कोई कपड़ा पुराना हो गया तो हम वहाँ से बटन्स ले लें, और फ्रॉक्स होते हैं बच्चियों के तो वहाँ से हमें फैंसी बटन्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों के नेकलेस वगैरह टूट जाते हैं तो वो भी आप सेव कर लें अपने पास। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग शेप्स की आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। तो अब इसी तरीके से हम देखें कितना अच्छा डायमंड का शेप है ये, तो इसे हम यहाँ पर स्टिक कर लेंगे। थोड़ी देर इसे प्रेस करके रखेंगे। ये देखिए, शेप को स्टिक करने के लिए हम थोड़ा सा ग्लू लगाया है, और इसके बाद थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाए। इसे ड्राई होने तक हम प्रेस तो नहीं कर सकते, प्रेस हम एक दफ़ा कर लेंगे, लेकिन हम इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ड्राई होता रहेगा और मैं इसे आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखा रही हूँ। और ये जो रिबन है, अब इस बॉटल में तो ये रिबन ऊपर लगी हुई है, तो इस बॉटल में मैं यहाँ पर ये रिबन स्टिक कर दूंगी। इसी तरीके से थोड़ा सा ग्लू ले लूंगी, थोड़ी देर से प्रेस करूंगी और ये रिबन अच्छे से स्टिक हो जाएगी। ये देखें, हमारी बॉटल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आप इसमें कॉटन डाल के आप इत्र डाल दें या कोई भी नेचुरल ऑयल डाल दें तो इसमें से इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती रहेगी जो हमारा मूड इन्हेंस करती है। तो ये आपके मूड के लिए बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो कैसा लगा आज का आपको हमारा क्राफ्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा से मिलेंगे अच्छे और अच्छे क्राफ्ट के साथ, ईजी क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। चुके हम हमारे सेगमेंट से, और आई होप कि भाई आप सब ने इस सेगमेंट को किया होगा बहुत ज़्यादा इंजॉय, और साथ ही साथ टाइम होता है यहाँ पर आप सबको सैडली खुदा हाफिज़ कहने का, क्योंकि टाइम यहाँ पर शो का होता है ख़त्म। और भाई अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर हमारे सेट का हिस्सा बने और यहाँ पर बैठ कर हमारे साथ गपशप करें, बबलू के साथ गपशप करें, तो स्क्रीन पर आप लोगों को एक नंबर शो हो रहा होगा। आप लोग इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके हमारे सेट का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग अगर कोई भी हुरा टीवी का प्रोग्राम कर देते हैं ना मिस, तो इस चीज़ की आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, क्योंकि आप हुरा टीवी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर किसी भी टाइम विजिट करके अपना फेवरेट शो देख सकते हैं कहीं पर भी इजीली बैठ के। तो इसी बात के साथ करते हैं आप सबको खुदा हाफिज़, और मिलेंगे एक और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और मिस्टर बबलू को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।